कोई पानी की बोतल 10 रुपए की आती है, कोई 20 की, कोई 50 की, तो कोई 1000 रुपए तक की आती है। लेकिन धरती पर हर जगह मुफ्त में उपलब्ध पानी को हमें पैसे देकर क्यों खरीदना पड़ता है? और 10-20 रुपए तक तो ठीक है, लेकिन 100, 50, 1000 रुपए की पानी की बोतल? अगर आप भी सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा गाइस, क्योंकि आज हम आपको दिखाएंगे कि महंगे वाली पानी की बोतल में जो पानी होता है वो आखिर कैसे तैयार करके फिल किया जाता है। तो इस काम की शुरुआत के लिए सबसे पहले देखिए, कैप्सूल्स लिए जाते हैं जिन्हें प्रीफॉर्म बोला जाता है। इन कैप्सूल से ही अपनी पानी की बोतल बनती है। तो इन कैप्सूल्स को देखिए, यहां से सांचे पर लगाया जाएगा और सांचे पर लगने के बाद ये सांचे आगे जाएंगे हीटर में, जहां पे सांचे गर्म किए जाएंगे। तो एक तरफ से देखिए सांचे जाएंगे और गर्म होकर दूसरी तरफ से बाहर आते रहेंगे, जहां से इन गर्म सांचों को लिया जाएगा और फिर रख दिया जाएगा अगली मशीन में, जहां पे इन गर्म सांचों को प्रेस किया जाएगा और सांचों से अपनी बोतल बनके निकलेगी। तो इसी तरीके से कैप्सूल्स अपने गर्म होकर आते रहेंगे, उन्हें यहां से डाला जाता रहेगा दूसरी मशीन में, जहां से उन कैप्सूल से बोतल बनके निकलती रहेंगी और इन बोतल्स को बाहर इकट्ठा किया जाता रहेगा। अब देखिए, जो बड़ा सा बैग है ये बोतल से भर चुका है, तो अब इन बोतल्स को आगे भेज दिया गया है, जहां से इन बोतल्स को दीदी अगली मशीन में फीड करती रहेंगी। इस मशीन में फीड करने के बाद बोतल्स आगे जाएंगी, जहां पर पानी भरने से पहले इन बोतल्स को धुला जाएगा। धुला इसलिए जाता है कि मैन्युफैक्चरिंग के दौरान अगर इन बोतल्स के अंदर कोई गंदगी आ गई हो, धूल आ गई हो, तो वो इनमें से निकाली जा सके। और ये जो बोतल की धुलाई वाला काम होता है ये फुल्ली ऑटोमेटिक होता है। तो देखिए, यहां से बोतल्स अगली मशीन को पास ऑन कर दी गई हैं, जहां पे ये बोतल्स उल्टी की जाएंगी और नीचे से इनमें बहुत हाई प्रेशर के साथ पानी ऊपर की तरफ मारा जा रहा है कि कोई भी धूल हो, गंदगी हो, मिट्टी का पार्टिकल हो, वो इनमें से निकल जाए। तो इसी तरीके से बोतल्स यहां पर घूमती रहेंगी और धुली जाती रहेंगी और फाइनली यहां से आगे पास ऑन कर दी जाएंगी। तो देखिए, अब ये बोतल्स फिर से सीधी हो गई हैं और यहां से भेजी जा रही हैं अगली मशीन में, जहां पे इन बोतल्स के अंदर पानी फिल किया जाएगा। और पानी जो इन बोतल्स के अंदर फिल किया जाएगा वो इस मशीन से आएगा। आप देखिए कितनी बड़ी सी ये मशीन है, दिखने में ऐसी लग रही है जैसे किसी साईफाई मूवी से कोई एलियन निकल कर आ गया हो। तो इस मशीन से यहाँ पे बोतल्स में पानी भरा जाएगा। और मेन बात ये है कि इन बोतल्स में जो पानी भरा जा रहा है उसमें आखिर ऐसी क्या खास बात है कि जो चीज धरती पर इतनी ज्यादा मात्रा में उपलब्ध है और लगभग हर जगह उपलब्ध है कि उसे भी हमें पैसे देकर खरीदना पड़ रहा है। ये बात पता करने के लिए अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जिस मशीन से इन बोतल्स में पानी भरा जा रहा है उस मशीन में ये पानी कहां से आ रहा है। उस मशीन में पानी आता है बोरिंग से, और बोरिंग से पानी जाएगा इस वाटर टैंक में, जहां से इसे भेज दिया जाएगा मीडिया फिल्टर में, जिसमें पानी के अंदर जो भी सॉलिड इंप्योरिटीज होंगी वो अलग कर दी जाएंगी। यहां से फिर पानी को आगे भेजा जाएगा एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर में, जहां पर पानी के अंदर जितने भी ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स मिक्स होंगे वो सब अलग कर दिए जाएंगे। उसके बाद यहां से साफ होने के बाद पानी को भेजा जाएगा आरओ के लिए। तो आप देख सकते हैं आरओ की बहुत बड़ी बड़ी मेम्ब्रेन्स लगी हुई है यहां पे, इनमें पानी को रिवर्स ऑस्मोसिस के द्वारा साफ किया जाएगा। और यहां से साफ होने के बाद पानी को यहां से आगे भेज दिया जाएगा जो बड़े बड़े स्टील के ड्रम्स रखे हैं इनमें, जहां पे पानी को स्टोर किया जाएगा। और यहां से साफ किए हुए बिल्कुल क्लीन पानी को भेज दिया जाएगा उस मशीन में, जो कि इस पानी को बोतल्स के अंदर फिल करेगी। पानी फिल होने के बाद देखिए इन बोतल्स को आगे भेज दिया जा रहा है अगली मशीन में, जहां पर इनके ऊपर ढक्कन लगाया जा रहा है। और ढक्कन लगाने के जस्ट बाद देखिए इस ढक्कन को प्रेस करके इन बोतल्स को सील बंद किया जा रहा है, और उसके बाद इन बोतल्स को आगे भेज दिया जा रहा है यहां से भी। अब यहां से जो सील बंद होकर बोतल्स आ रही हैं उन्हें लेकर भरा जा रहा है एक पेटी के अंदर, और पूरी पेटी भरने के बाद इस पेटी को भी यहां से आगे भेज दिया जाएगा। तो इन पेटी को देखिए यहां से अगली मशीन के पास भेजा जा रहा है, जहां पर मशीन में डालने से पहले इन बोतल्स को मैन्युअली चेक किया जा रहा है कि किसी बोतल के अंदर कोई खराबी तो नहीं है। इसी तरीके से सारी बोतल्स चेक करने के बाद देखिए कन्वेयर बेल्ट पर रखी जा रही है, जहां से कन्वेयर बेल्ट के थ्रू अपनी बोतल्स आगे जाएंगी। और आगे इन बोतल्स के ऊपर जो चिट है, मतलब जो इनका ब्रांड नेम है, वो लगाया जाएगा स्टिकर। और वो ब्रांड का स्टिकर लगने के बाद यहां से बोतल आगे आ जाएगी, जहां से मार्केट में से सेल कर दिया जाएगा। तो गाइस, जो अपनी महंगे पानी की बोतल होती है वो इस तरीके से तैयार की जाती है। ये जो मेरे हाथ में आपको नजर आ रही है, इस बोतल का प्राइस 40 रुपए है एक लीटर का। वह जो 20 रुपए वाली पानी की बोतल होती है, पानी उसमें भी सेम ही होता है, बस मेनली पैकेजिंग का ही डिफरेंस है, अनलेस आप वो नेचुरल स्ट्रीम वाला पानी ले रहे हो। पानी सेम है, केवल पैकेजिंग का डिफरेंस है। आप जितनी अच्छी पैकिंग करेंगे उतना महंगा बेच सकते हैं। 20 वाली पीजिए, 40 वाली पीजिए, 100 वाली पीजिए, 99% केसेस में पानी आपको सेम ही मिलेगा। ओवरऑल यहाँ पर ये बोतल बनते हुए देख के, इसमें पानी फिलिंग का पूरा प्रोसेस देख के मुझे बहुत मजा आया। अगर आपको भी ये वीडियो देखकर मजा आया हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगा पूरे इंडिया का सबसे अच्छा वेजिटेरियन फूड। एंड नो मैटर वेयर यू आर, आई विल फाइंड यू एंड आई विल मेक यू हंग्री।